एरर लेआउट प्लान के बाद हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए एग्जांपल कंसीडर करेंगे, जैसे सीआरडे में की थी। उससे पहले मैं रिस्पांस कैसे लेना है वो अगेन एक दफा डिस्कस कर रहा हूँ कि जिस पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट टू अप्लाई की, उस पेशेंट का बिफोर ट्रीटमेंट वेट लेना है, फिर आफ्टर ट्रीटमेंट वेट लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, तो वो रिस्पॉन्स रेट आपके पास आ जाएगा कि एक पेशेंट ने सेट टाइम के अंदर कितना वेट लूज किया, कितना वेट रिड्यूस हुआ उसका 14 kg। जिसको ट्रीटमेंट 4 दी थी, एज ग्रुप 20 to 25 वाले ओवरवेट पर्सन का, उसका 11 kg, फिर 8 kg, फिर 13 kg, इसी तरह करके बाकी के भी रिस्पॉन्स रेट जो है वो नोट करेंगे। आपसे अगर जनरल लेआउट प्लान का क्वेश्चन आता है तो जहां पे रेड है एंड शो हो रहा है वहां तक आपने क्वेश्चन करना है। ये जस्ट मैं रिस्पॉन्स रेट कैसे लेने हैं वो ब्रीफ किया है इस टेबल में। ये एग्जांपल है टू फॉर आरसीबीटी। The following data represent the weight loss in 4 kg by 4 different brand of diet administered to 16 subject experiences overweight. The brands T1, T4 are old while the T2, T3 are developed recently. Test the hypothesis that the mean weight reduction is the same for all 4 brands or test whether the treatment effects are significant. Here ye jo question 1 hai, रिक्वायरमेंट वन है, इसको दो तरह से पूछा जा सकता है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन वेट रिडक्शन इज द सेम फॉर ऑल 4 ब्रांड्स और टेस्ट वेदर ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इंटरप्रेट इट्स वैल्यू। थर्ड वहां पे था फाइंड ट्रीटमेंट मीन्स एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ ट्रीटमेंट मीन। वो अगर क्वेश्चन आता है तो जैसे सीआरडी में किया था वैसे ही आरसीबीडी में कर लेंगे, कोई डिफरेंस नहीं। इधर थर्ड क्या है, फाइंड रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ दिस डिजाइन ओवर सीआरडी एंड द लास्ट वन अप्लाई द पोस्ट हॉक टेस्ट फॉर पेयर वाइज कंपैरिजन। सीआरडी में हमने ये बात नहीं की रिलेटिव एफिशिएंसी, लेकिन आरसीबीडी में कर रहे हैं। अगर आपके अंडर सुपरविजन एक ही स्टूडेंट है तो फिर ये मैटर नहीं करता कि वो दूसरे से कितना एफिशिएंट है, फिर तो वो है ही एक। उसकी एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट कैसे करनी है, दो होंगे तो एफिशिएंसी कैलकुलेट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सेल्स मैनेजर है तो वो एफिशिएंट है नहीं एफिशिएंट ये मैटर नहीं करता। जब दो होंगे तो फिर देखना होता है कि जी वो कौन सा सेल्स मैनेजर है। फैसलाबाद जोन का सेल्स मैनेजर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है कि सरगोधा जोन का या रावलपिंडी जोन का या लाहौर जोन का, फिर ये रिलेटिव एफिशिएंसी की बात आती है। तो सीआरडी जब हम कर रहे थे तो वहां इससे पहले कोई डिजाइन था ही नहीं, लेकिन जब आरसीबीडी में गए हमने डिस्कशन किया तो इसमें दो डिजाइन, अब एक पहले डिजाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अब सेकंड डिजाइन हम प्रेफर कर रहे हैं आरसीबीडी। देखना यह है कि हमारा रिलेटिव एफिशिएंसी जो है आरसीबीडी बेहतर है, ज्यादा है उसकी कि सीआरडी की ज्यादा है। तो जब दो चीजें आएंगी तो फिर रिलेटिव एफिशिएंसी का क्वेश्चन भी साथ में ऐड हो जाता है। ये लास्ट पार्ट है, अप्लाई द पोस्ट हॉक टेस्ट फॉर पेयर वाइज कंपैरिजन। जो भी डिजाइन आपने हमने डिस्कस करना है, पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई सिर्फ ट्रीटमेंट पे होना है, ब्लॉक पे भी नहीं होना। अगला डिजाइन हमने लैटन स्केयर डिजाइन पढ़ना है, उस पे भी नहीं होना, सिर्फ ट्रीटमेंट पे होना है। यानी पोस्ट हॉक टेस्ट ओनली अप्लाइड ऑन द ट्रीटमेंट, नॉट ऑन द ब्लॉग, नॉट ऑन द रोज, नॉट ऑन द कॉलम या कोई भी और चीज है उस पे नहीं अप्लाई होगा, सिर्फ ट्रीटमेंट पे अप्लाई होगा। तो ट्रीटमेंट पे कैसे करना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही प्रोसीजर यूज करके हम आरसीबीडी में भी पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप कोई भी एनालिसिस है उसमें सबसे पहले स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने लिखना है। अब इसमें दो चीजें आ गई, आपका जो सीआरडी था उसमें थी ट्रीटमेंट्स,
इसमें ट्रीटमेंट भी है और ब्लॉक भी है। मैंने दो हाइपोथेसिस डेवलप करने हैं, एक फॉर ट्रीटमेंट्स एंड सेकंड फॉर ब्लॉक्स। तो फर्स्ट फॉर ट्रीटमेंट्स, एच नॉट बनेगा म्यू टी वन, यानी ट्रीटमेंट वन का रिस्पांस रेट बराबर है ट्रीटमेंट टू के रिस्पांस रेट से, और ट्रीटमेंट टू का थ्री का रिस्पांस रेट जो है टू के बराबर है, टी फोर का टी थ्री के बराबर है। इसका मतलब ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। इसमें अल्टरनेटिवली ये भी लिखा जा सकता है ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल, जैसे सी आर डी में लिखा जाता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस एट लीस्ट वन म्यू टी आई, यानी इसमें से मे बी म्यू टी वन जो है वो टी टू टी थ्री टी फोर से डिफरेंट हो, या टी थ्री जो है वो बाकियों से डिफरेंट हो, या टी फोर जो है वो रिमेनिंग से डिफरेंट हो। इसलिए टी आई मैंने लिखा, ना टी वन लिखा, ये टी वन नहीं है, ये टी आई है। आई मे बी वन, मे बी टू, मे बी थ्री, मे बी फोर। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें चारों ट्रीटमेंट के मीन बराबर है, यानी चारों मेडिसिन जो है वो एक जैसा वेट रिड्यूस करती, ये मेरी सपोजिशन है। अल्टरनेट मेरा क्या होगा कि नहीं जनाब, कोई ना कोई एक ऐसी ट्रीटमेंट जरूर है जो बाकियों से डिफरेंट रिजल्ट दे रही है। सिमिलरली ब्लॉक्स में हम कहते हैं कि चारों ब्लॉक्स जो हैं उनका इफेक्ट सेम है, यानी म्यू बी वन, म्यू बी टू, म्यू बी थ्री, म्यू बी फोर, ऑल द एवरेज ऑफ ऑल द ब्लॉक्स आर सेम एट लीस्ट वन म्यू बी आई, यानी ब्लॉक आई अगेन वन टू थ्री फोर, कोई भी जो ब्लॉक है एनी वन ब्लॉक इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्लॉक। सेकेंड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज इक्वल टू 0.05। स्टेप थ्री है टेस्ट स्टैटिस्टिक, कौन सा यूज करना है आपने, एफ टेस्ट बट थ्रू द एनोवा टेबल। स्टेप फोर है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले आपने जो डाटा गिवन है उसको एक सिस्टमैटिक पैटर्न में लिखना है। ये डाटा इसका किधर गैप हो गया, चले डाटा में लिखता हूं। ये डाटा पेस्ट करना भूल गया मैं। ये डाटा है जी आपके पास, इसमें आप देख रहे हैं कि ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री, ब्लॉक फोर, ये तो ऑलरेडी सिस्टमैटिक पैटर्न में है, कोई मसला नहीं है हमें। लेकिन ब्लॉक वन में जो टी वन है वो तीसरे नंबर पे आ रही है, ब्लॉक टू में टी वन जो है वो चौथे नंबर पे है, ब्लॉक थ्री में टी वन। अब टी वन के रिस्पॉन्स को जमा करना हो तो ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक, इसलिए हमने ब्लॉक और ट्रीटमेंट को जैसे सीआरडी में ट्रीटमेंट को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखा था, इसमें भी हम सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखेंगे। ब्लॉक तो ऑलरेडी सिस्टमैटिक ऑर्डर में है, पहले ब्लॉक वन है, फिर ब्लॉक टू है, फिर ब्लॉक थ्री है, फिर ब्लॉक फोर है। लेकिन ट्रीटमेंट चूंकि अनअरेंज फॉर्म में पड़ी हुई है, तो रैंडम पड़ी हुई है, तो इसलिए हमने पहले टी वन लिख लिया, फिर टी टू, फिर टी थ्री, फिर टी फोर। ब्लॉक वन में टी वन हमारा कितना है, 8। ये जब हम अबव टेबल देखेंगे तो उसमें ब्लॉक वन में टी वन 8 है, ब्लॉक टू में टी वन कितना है, 11 है, ब्लॉक थ्री में टी वन कितना है, 9 है, ब्लॉक फोर में टी वन कितना है, 8 है। तो ये नीचे हमने उसको लिख लिया, 8, 11, 9 और 8। सिमिलरली टी टू इन ब्लॉक वन 14 है, टी टू इन ब्लॉक टू 18 है, टी टू इन ब्लॉक थ्री 16 है, टी टू इन ब्लॉक फोर 14 है। इसमें ये वैल्यू लिखते वक्त आपने केयर करनी है, टी वन की वैल्यू ब्लॉक वन वाली ब्लॉक वन में लिखनी है, ब्लॉक टू वाली ब्लॉक टू में लिखनी है। तो बीहा जाओ बेटा, जी ये ट्रीटमेंट्स अरेंज करने के बाद, ट्रीटमेंट और ब्लॉक्स ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में हैं, ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अनसिस्टमैटिक फॉर्म में हैं, तो आपने ट्रीटमेंट को भी सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक्स अपीयरेंस।
उसके बाद आपने ब्लॉक के टोटल लेने हैं, पहले ब्लॉक का टोटल किया तो 46, दूसरे ब्लॉक का टोटल किया तो 64, तीसरे ब्लॉक का टोटल किया तो 55 और चौथे ब्लॉक का टोटल 47। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट 1, 8 प्लस 11, 19, 19 प्लस 9, 28, 28 प्लस 8, 36। सिमिलरली 16, 14, 30, 18 और 14, 32, 32 प्लस 30, 62। इस तरह इसमें भी 32 है, ये 30 बनता है, ये 33, 33 प्लस 30, 63। सिमिलरली 51। ये ट्रीटमेंट मीन्स मैंने क्यों निकाले, लेकिन ब्लॉक के मीन्स इसलिए नहीं निकाले कि आगे मैंने पोस्ट हॉक टेस्ट सिर्फ ट्रीटमेंट पे अप्लाई करना है। ब्लॉक पे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई क्वेश्चन बनता है, ना करने की जरूरत होती है। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि जी पोस्ट हॉक टेस्ट किस पे अप्लाई करने हैं, जस्ट वी अप्लाई दी ऑन ट्रीटमेंट्स, पोस्ट हॉक टेस्ट ओनली अप्लाई ऑन द ट्रीटमेंट, नॉट ऑन द ब्लॉक्स। ट्रीटमेंट मीन्स लेने का मेथड सेम ही है, 36 बोर्ड डिवाइड करेंगे 4 से। सर ब्लॉक्स में डाटा कैसे लिया आपने, एक दफा रिपीट कर दें काइंडली। ओ भाई ब्लॉक में तो डाटा पहले लिखा हुआ है सर, मतलब इसे अरेंज कैसे किया आपने, B1 B2 B3 मिक्स हो गया सारा। ये B1 पहले नंबर पे मैंने ब्लॉक में लिख दिया, तो उधर नया जो टेबल बना, ये मैं ना पैरेलल रखता हूं टेबल को, फिर शायद समझ आ जाए। बाद में डिलीट कर दूंगा। ब्लॉक 1 ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। ट्रीटमेंट्स मैंने लिखी, मेरे पास हैं इस पूरे टेबल के अंदर 4 तरह की ट्रीटमेंट। पहले मैंने T1 लिखा, फिर T2 लिखा, फिर T3 लिखा, फिर T4 लिखा। अब ब्लॉक 1 का T1 क्या है, 8, ये मैंने यहां से उठाया और यहां इम्पोज कर दिया, इसको इधर रिप्लेस कर, इधर लिख दिया 8। फिर मैंने ब्लॉक 1 का T2 लिखा, T2 कितना है 14, वो मैंने लिख दिया। फिर ब्लॉक, पहले ब्लॉक 1 को कंप्लीट कर ले, सिर्फ ये अरेंज होनी है जो ट्रीटमेंट की रिस्पांस है ना, जैसे मैंने T1 पहले लिखा है तो पहले नंबर पे 8 आएगा, फिर दूसरे नंबर पे 14 आएगा, तीसरे नंबर पे T3 का रिस्पांस 13 आएगा, और जो के T4 11 दूसरे नंबर पे शो हो रहा है उसकी नंबरिंग सिर्फ चेंज हो के वो चौथे नंबर पे चली गई। इसी तरह ब्लॉक 2 में आप पकड़े इस ब्लॉक 2 को, T1 कहाँ है, यहाँ पे, तो T1 का रिस्पांस 11 आपने उसके सामने लिखना है उठा के, और उसके बाद T2 का रिस्पांस 18 लिख देना है, T3 के सामने, T3 का ब्लॉक 2 की बात अभी हम कर रहे हैं, तो ब्लॉक 2 में T1 कहाँ आ रहा है, 11, वो पहले लिख दिया, T2 18 आ रहा है वो बाद में लिख दिया, फिर T3 20 लिख दिया, फिर T4, क्योंकि जिस सीक्वेंस में ट्रीटमेंट सिस्टमेटिक पैटर्न में लिखनी है, पहले T1 फिर T2 फिर T3 फिर T4, क्योंकि इधर ब्लॉक 1 को जमा करें तो ब्लॉक टोटल सेम आएगा जो इधर लिख रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट को जमा करते वक्त अगर मैं इस रो को जमा करता हूं तो इसमें T1 पड़ा हुआ है, T2 पड़ा है, T3 है, T4 है, तो मैं कैसे जमा कर सकता हूं, ये नहीं जमा हो सकता। इसको सम अप करने के लिए मैंने एक सिस्टमैटिक पैटर्न में उसको लिख दिया। ये क्लियर हो गया, बताइएगा प्लीज। जी सर हो गया, थैंक यू। सिर्फ ट्रीटमेंट टोटल फाइंड करने के लिए ये सारा पंगा लिया गया ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके टोटल किए जा सके। तो ये जब मीन निकालना है, पहली ट्रीटमेंट का मीन निकाला तो ये 36 टोटल है, 4 वैल्यूज को जमा करके आया तो 36/4, 9। जब सेकंड निकाला तो 62 डिवाइडेड बाय अगेन 4, और थर्ड पे गए तो 63 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके ट्रीटमेंट मीन्स आ गए। ये म्यू T1 है, सॉरी वाई बार T1, ये वाई बार T2, ये वाई बार T3, ये वाई बार T4। मैंने वो बार की फॉर्म में नहीं लिखा जहां पे लिख सकते हैं वाई बार T1, वाई बार T2, वाई
वाई बार डी थ्री और वाई बार डी फोर। ग्रैंड टोटल कैसे लेना है? जब आपने 36 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 51 किया तो 212 आ गया। जब आपने ब्लॉक वाइज इसको लिखना है तो ब्लॉक वाइज पहले 46 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 47, जब इन चारों वैल्यू को जमा किया तो 212। आपका रो वाइज टोटल और कॉलम वाइज टोटल बराबर होने चाहिए, यानी ट्रीटमेंट वन से लेके ट्रीटमेंट फोर तक के टोटल करें तब भी वही आंसर आएगा, ब्लॉक वन से ब्लॉक फोर के टोटल करें तब भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि वैल्यू तो ये 16 ही जमा हो रही है ना। जब आप ग्रैंड टोटल लेते हैं तो आप ऑल वैल्यूज का सम ले रहे हो, तो 16 ही वैल्यू इस साइड पे जमा हुई है, 16 ही इस साइड पे। ग्रैंड मीन निकालने के लिए ग्रैंड टोटल 212 है और ग्रैंड वैल्यूज टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल कितनी है 16, तो 212 डिवाइडेड बाय 16 13.25 व्हिच इज ग्रैंड मीन। सीएफ आपने कैसे फाइंड करना है? सीआरडी में भी सबसे पहले सीएफ फाइंड किया था, इसका फार्मूला है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर, मैंने फार्मूला इधर नहीं लिखा, तो फार्मूला है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ वैल्यू, तो 212 का स्क्वायर करेंगे 16 पे तकसीम कर देंगे, 2809 आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद आपने टी एस एस निकालना है जैसे सी आर डी में निकाला, सेम प्रोसीजर यूज ओवर हेयर, 8 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ये कैलकुलेटर पे लिखते जाते होते हैं, 8 का स्क्वायर दरमियान में प्लस का साइन, 14 का स्क्वायर दरमियान में प्लस का साइन, पेपर पे नहीं लिखना, कॉपी पे आपने ऐसे ही लिखना है 8 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 13 स्क्वायर, बस जहां तक लिखना है माइनस सी एफ। कैलकुलेटर जब तक ये 16 वैल्यू जमा वहां लिखेंगे नहीं तो आप इसका सम 2998 नहीं फाइंड कर सकते, तो ये सम फाइंड करने के लिए 8 स्क्वायर से लेके 13 स्क्वायर दरमियान में प्लस के साइन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2998, माइनस इसमें से करेंगे 2809, तो जब डिफरेंस लेंगे तो 189, दिस इज कॉल्ड टीएसएस। अब आपने एसएस ट्रीटमेंट फाइंड करना है, तो पहले भी ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर कैसे आपने फाइंड किया था, पहली ट्रीटमेंट का टोटल 36 है, दूसरी ट्रीटमेंट का टोटल 62 है, तो पहली ट्रीटमेंट का टोटल 36 उसका स्क्वायर, अगेन कैलकुलेटर ऑन कर लेना है, 36 का स्क्वायर लेना है 64, 2 का स्क्वायर लेना है प्लस का साइन, फिर 63 का स्क्वायर प्लस का साइन, फिर 51 का स्क्वायर प्लस का साइन के साथ, अब ये सारे चारों सम इक्वल का बटन प्रेस करके डिवाइडेड बाई 4 कर देना है आपने, माइनस करेक्शन फैक्टर कर देना, तो ये आपके पास एसएस ट्रीटमेंट आ गया 2927.5 माइनस 2809.0 118.5, ये एसएस ट्रीटमेंट। अब आपने एसएस ब्लॉक लेना है, तो एसएस ब्लॉक में ब्लॉक के टोटल आएंगे, पहले ब्लॉक का टोटल 46 है, दूसरे ब्लॉक का टोटल 64 है, तीसरे का 55 है, चौथे का 47 है, अगर दो ब्लॉक और होते तो यहाँ पे दो वैल्यू और ऐड हो जाती, अगर बहुत ज्यादा ब्लॉक्स हों या बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स हों तो फिर जैसे ऊपर आपने 100 ऑन का साइन लगाया है, इसमें तो चार हैं इसलिए मैंने 100 ऑन लिखना टाइम ज्यादा लेगा मेरा, तो मैंने क्या किया वहां वैल्यू लगा दी, वरना तीन वैल्यू लिखते हैं, स्टार्ट वाली दो और एंड वाली, दरमियान में प्लस दो ऑन का साइन लगा देते हैं। अगर चार वैल्यू हैं, पांच हैं तो फिर डायरेक्ट लिख लेंगे, सात आठ नौ वैल्यू हो जाए तो वो पहली दो फिर 100 ऑन का साइन फिर आखिरी वैल्यू लिख देते हैं। ये भी कैलकुलेटर से चारों वैल्यू के सम ऑफ स्क्वायर लेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2861.5, उसमें से करेक्शन फैक्टर आपने माइनस करना है, 52.50 आंसर आ जाएगा। अब आपने एसएस एरर फाइंड करना है, सीआरडी में फार्मूला एसएस एरर का है टीएसएस माइनस एसएस ट्रीटमेंट, आरसीबीडी में चूंकि ब्लॉक आपने नए ऐड किए हैं तो एसएस ब्लॉक उसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो टीएसएस आपने निकाला है 189, एसएस ट्रीटमेंट आपने निकाला है 118.5 और एसएस ब्लॉक आपने निकाला है 52.50, 189 में से ये दोनों वैल्यू माइनस करेंगे तो 18 आपके पास एसएस एरर आ गया। अब आपने अनोवा टेबल जब लिखना है
या तो नोवा टेबल एक पेज पे आ जाए। तो नोवा टेबल में अगेन आपके पास छह सेल बनेंगे, सोर्स ऑफ वेरिएशन, छह कॉलम सॉरी, सोर्स ऑफ वेरिएशन पहला कॉलम, दूसरा डीएफ, तीसरा एसएस, तीसरा एमएस, चौथा कॉलम, पांचवा एफ कैलकुलेटेड और छठा एफ टेबल वैल्यू। ट्रीटमेंट्स सबसे पहले लिखेंगे, तो ट्रीटमेंट्स कितनी है, टोटल चार, फोर में से वन माइनस करेंगे तो थ्री। ब्लॉक्स कितने हैं, चार। नंबर ऑफ ब्लॉक को मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपने आर से डिनोट करना है, तो आर मेरे पास फोर है, नंबर ब्लॉक फोर है, फोर में से वन माइनस किया तो थ्री। टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन जो कि 16 है, 16 में से वन माइनस किया तो 15 में से अब आपने ट्रीटमेंट भी माइनस करनी है और ब्लॉक भी माइनस करना है, तो 15 माइनस थ्री माइनस थ्री, 15 माइनस सिक्स विच इज इक्वल टू 9। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगेन सेम फार्मूला है कि आप एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये किसके इक्वल होगी, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस ब्लॉक डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये फार्मूला ऊपर जैसे एसएसई निकाला है वैसे ही इसकी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकालनी है। तो टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है, उसमें से 3 ब्लॉक 3 ट्रीटमेंट इज इक्वल टू 9। उसके बाद एसएस, ये कैलकुलेट अब करने की जरूरत नहीं, ऊपर कैलकुलेट कर लिए। टीएसएस, टीएसएस के सामने, टोटल के सामने लिख देना 189। एसएस ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के सामने 118.5। एसएस ब्लॉक 52.5 और एसएस एरर, एरर के सामने 18। जब आपने एमएस कैलकुलेट करना है यानी फोर्थ कॉलम, तो 118.5 को किस पे डिवाइड करना है, 3 पे डिवाइड करना है, और 52.5 को भी 3 पे डिवाइड कर देंगे, और 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 2 एम मीन स्क्वायर एरर आ गया, 39.5, 17.5 और 2.00। F कैलकुलेटेड 39.50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ट्रीटमेंट की F रेशियो निकलेगी विच इज इक्वल टू 19.75। और जब आप ब्लॉक्स की निकालेंगे तो 17.50, इसको भी मीन स्केयर, जब भी F रेशियो निकालती है मीन स्केयर पे डिवाइड होना है। ऊपर बेशक 10 कॉलम आ जाएं, 10 कॉलम्स की एफ रेशो मीन स्केयर पे डिवाइड करके ही आनी है। मीन स्केयर की एफ रेशो नहीं निकलेगी ना टोटल की निकलेगी। अगर दो सोर्स हैं ट्रीटमेंट और ब्लॉक तो दो एफ रेशो आएंगी, लेकिन दोनों एफ रेशो निकालेंगे कैसे, मीन स्केयर ट्रीटमेंट को मीन स्केयर एरर पे डिवाइड करेंगे, फिर मीन स्केयर ब्लॉक को मीन स्केयर एरर पे डिवाइड करेंगे, तो 19.75 और 18.75। फिर आपने एफ टेबल कैसे लिखना है, सर ये एफ कैलकुलेटेड दोबारा से रिपीट कर दीजिए। एफ कैलकुलेटेड किसके लिए निकाल रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट का एफ कैलकुलेटेड निकालने के लिए ट्रीटमेंट का टोटल मीन स्केयर लेना है, मीन स्केयर है 39.5 और इसे एमएससी मीन स्केयर एरर पे डिवाइड कर देना है, 39.5 डिवाइडेड बाय 2। और जब आप ब्लॉक्स का निकालेंगे तो ब्लॉक्स के सामने एमएस में क्या है, 17.5 और एरर पे डिवाइड करना है, एरर 2 है तो 8.75। एफ टेबल वैल्यू लेनी है आपने तो एफ अल्फा लिखेंगे, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा एफ अल्फा, कितना है एफ अल्फा 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट की कितनी है, 3 और उसकी कितनी है, 9। तो ये 3 जब टेबल देखेंगे तो 3.86। किस पे देखना है टेबल, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ब्लॉक ट्रीटमेंट की देखनी है,
नौ एरर की देखनी है, 0.05 पे वैल्यू देखनी है तो 3.86। दूसरे में भी चूंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है ब्लॉक की ट्रीटमेंट की, इसलिए आंसर सेम आना है, तो वो भी 3.86 ही आएगा। उसके सामने भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने इधर लिखा है। तो ये आपके पास एफ कैलकुलेटेड है। सर एफ टेबल रिपीट करिएगा। आपके पास एफ टेबल पड़ा हुआ है? इफ यस तो देन आपने उसको देखना, वैल्यू कैसे देखनी है। अल्फा ऊपर आप डिसाइड करके आए हो कितना लेना है, 0.05, और डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड करनी है। एफ टेबल में दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली आपने किसको देखना है, जिस पर इफेक्ट टेस्ट कर रहे हैं आप, ट्रीटमेंट का इफेक्ट टेस्ट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली आपने टॉप पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी होगी वो 3 है। फिर वर्टिकली आए तो वर्टिकली 9 आपने देखना है। ये ना मैं नेक्स्ट क्लास में एफ टेबल और ये जो आपका टुकी टेबल है ये पहले डिस्प्ले करूंगा, उसको देखना बताता हूँ मैं, ठीक है। 3.86 दोनों वैल्यू आ रही है। अब कंक्लूजन आपने कैसे लिखनी है, पहले ट्रीटमेंट्स के लिए लिखेंगे। सिंस एफ कैलकुलेटेड, एफ कैलकुलेटेड ये ट्रीटमेंट्स के लिए है। सिंस एफ कैलकुलेटेड कितना है, 19.75, और टेबल वैल्यू कितनी है, 3.86। सिंस एफ कैलकुलेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, साथ में एफ आर लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ऊपर हेडिंग दे दी ट्रीटमेंट्स के लिए। पहले मैं कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सिंस एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एफ टेबल वैल्यू, सो वी रिजेक्ट एच नॉट फॉर ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब है कि एक ट्रीटमेंट का इफेक्ट दूसरे से डिफरेंट है। सिमिलरली फॉर ब्लॉक्स, जब आपने कंक्लूजन ड्रॉ करनी है, सिंस एफ कैलकुलेटेड फॉर ब्लॉक विच इज 8.75 अगेन ग्रेटर देन 3.86, सो वी रिजेक्ट एच नॉट फॉर ब्लॉक, सो ब्लॉक इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट, देयरफॉर ट्रीटमेंट एज वेल एज ब्लॉक इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं, ब्लॉक इफेक्ट भी और ट्रीटमेंट इफेक्ट। ट्रीटमेंट इफेक्ट के सिग्निफिकेंट होने का मतलब यह है कि एक ट्रीटमेंट दूसरी ट्रीटमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही है। रिसर्चर के लिए ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी ट्रीटमेंट किस ट्रीटमेंट से बेटर रिजल्ट दे रही है, तो उसके लिए पोस्ट हॉक टेस्ट अप्लाई करते हैं। ब्लॉक्स के लिए ये देखना जरूरी नहीं है कि कौन सा ब्लॉक ज्यादा इफेक्टिव है, नो। ब्लॉक्स में सिर्फ ये देखना होता है कि इस सिचुएशन में जिस जो सिचुएशन हमारे सामने थी उसमें हम आरसीबीडी लगाएंगे कि सीआरडी लगाएंगे। क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन में ब्लॉक इफेक्ट खत्म कर देता हूँ, सपोज मैं कैलकुलेट नहीं करता, मैं कहता हूँ ये सीआरडी है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा 19 point something। अब जब ये 19 होगा तो ये आपकी एफ रेशो जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट आ जाएगी। मीन के यही क्वेश्चन मैं आरसीबीडी में शिफ्ट सीआरडी में शिफ्ट कर देता हूँ तो मुझे ट्रीटमेंट के इफेक्ट प्रॉपर स्टडी नहीं हो सकेंगे। जब आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हेटरोजीनियस होगा तो आपने आरसीबीडी यूज करना है। ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है कि हम आरसीबीडी वाकई इन फ्यूचर हम रिकमेंड करेंगे इस सिचुएशन में आरसीबीडी के नहीं करेंगे। अगर आपकी एफ रेशो ब्लॉक की लेस आ जाती है एफ टेबल से तो आपने कहना था कि इन फ्यूचर अगर कोई इस फील्ड में एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहता है तो वो सीआरडी के अंडर कर ले, उसे आरसीबीडी में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब ट्रीटमेंट इफेक्ट्स नॉन सिग्निफिकेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस पे पोस्ट हॉक टेस्ट भी अप्लाई करोगे, आप इसकी रिलेटिव एफिशिएंसी भी निकालोगे, आप इसका सीवी वगैरह भी निकालोगे। ये नेक्स्ट पार्ट जो 3 है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करके, अभी 4 minutes है। किसी ने कोई टॉक करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। सर प्लीज ये फाइल शेयर कर दें। सर डिटेल में लिखी हुई है, जरा पता चल जाता है इसका। जी मैं ये फाइल शेयर कर देता हूँ, अभी व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ और उस पे कर दूंगा ऑनलाइन क्लास अटेंडेंस पे, ठीक है। थैंक यू सर। लेक्चर के बाद करूंगा, अभी लेक्चर खत्म होता है ना नेक्स्ट, तो फिर उसके बाद करता हूँ जी। ओके सर। सर जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग ने 4 ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है और 4 में फर्स्ट पेशेंट है, इसका मतलब है कि दोनों होमोजीनियस हैं।
किस तरह में पेपर में कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें जो है सीआरडी अप्लाई करना या आरसीडी अप्लाई करना? देखिए, अगर आप दोनों जो फाइल मैंने एक पहले शेयर की है सीआरडी की, अब आरसीबीडी की भी शेयर कर दूंगा, दोनों के प्रिंट निकाल के सिर्फ जनरल लेआउट प्लान के वो सामने रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कब सीआरडी और कब आरसीबीडी यूज करना है। दूसरी प्रॉब्लम जो अभी मैंने डिस्कस की है जनरल लेआउट प्लान, उसमें मैंने ये कहा है कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स या ओवरवेट पर्सन बिलोंग्स टू फोर डिफरेंट एज ग्रुप। तो जब फोर डिफरेंट एज ग्रुप से भाई वो बिलोंग करते हैं तो वो तो हेटरोजीनियस हो गए। अगर मैं कहता कि सेम एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो वो होमोजीनियस हो जाने थे। यहाँ पे मैंने लिखा फोर डिफरेंट। अच्छा, एक और बात जो मैंने हर एक में यही किया है, जितनी ट्रीटमेंट उतने ब्लॉक्स लिए हैं। ये ब्लॉक्स आपके कम भी हो सकते हैं और ब्लॉक्स आपके ज्यादा भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जितनी ट्रीटमेंट है उतने ही ब्लॉक्स आपने लेने। एक असाइनमेंट मैं बना रहा हूँ, उसमें मैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा कर रहा हूँ। एक में मैं नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कम कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ब्लॉक्स ज्यादा कर रहा हूँ, ताकि ये कन्फ्यूजन ही ना रहे। इस डिजाइन का एक पॉइंट आपने नोट करना है, इन आर सी बी डी नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ ब्लॉक्स लेस देन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, number of block greater than number of treatment, all these situation occur in the RCBD. yani RCBD mein zaruri nahi hai ki block aur treatment barabar honi chahiye, RCBD mein block treatment barabar bhi ho sakti hai, block treatment se zyada bhi ho sakte hain, block treatment se kam bhi ho sakte hain. ye teenon situation mein se koi ek situation appear ho sakti hai RCBD. अब देखे सीआर साहब, जस्ट 93-94 पार्टिसिपेंट हैं, यानी 100 पूरे नहीं हुए, पांच छह क्लास छोड़ के भाग गए, नींद आ रही होगी ना। तो ये हाँ, ये अगर मैंने कह दिया ना होम साइंसेज की अलग क्लास कर लें तो मुझे एफटी वाले 60-70 लोग मिला करेंगे और मेरा टाइम जो है वो किल होगा जी। यानी अदर क्वेश्चन चले जी, नेक्स्ट मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर 5 मिनट, क्योंकि 3 मिनट इसमें अभी पड़े हैं तो 2-3 मिनट और, तो 5 मिनट बाद मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। ओके सर।